राम राम दोस्तों, स्वागत आपका एक नए ब्लॉग में। और आज जो है फिलहाल मेरे को किसी के यहाँ नामकरण करवाने के लिए जाना है, तो फिलहाल टाइम हो चुका है 9:45 के आसपास। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। पूजा पाठ हमने कर ली, लेकिन देखो स्कूटी बाहर ही खड़ी है अभी तक। तो जहाँ से मैं पूजा पाठ के लिए फूल लेके आता था सुबह सुबह, उसने जो है मना कर दिया वहाँ से, कुछ लोगों ने, जो सरकारी जगह थी, सरकारी संस्था थी, लेकिन सरकारी वो खुद मान लो चाहे गाँव राव की सबकी मिली जुली थी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद, एक दो अपवाद ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ उंगली करने से मतलब होता और कुछ नहीं। तो उसने क्या किया, फूल के लिए मना कर दिया कि पंडित जी आप फूल मत ले जाया करो, ये पूजा पाठ के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए फूल है, हम यहाँ सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए फूल रखते हैं कि खूबसूरत लगे। मैंने कहा ठीक है जी, आपका ऊपरी दिखावा खूबसूरत होना चाहिए, चाहे मन खूबसूरत हो या ना हो। मैंने बोल भी दिया फिर चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज गणेश चतुर्थी थी तो मैंने सोचा कि फूल भी लेके आने, और साथ में मैं ये सोचता हूँ मैं किसी के अगर नामकरण या कुछ करवाने के लेके जाता हूँ तो फूल और धूप जो है, मैं सिटी में अगर बाहर जाता हूँ मेरे आसपास जो शहर लगते हैं वहाँ अगर मेरे कोई यजमान है पूजा पाठ कराते हैं तो वहाँ पर फूल और धूप अवेलेबल कम होती है शहर में, तो मैं खुद ही लेके चला जाता हूँ। गांव में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर फूलों की जरूरत होती है, तो उस लड़के के गुड़िया हुई है जो मेरे गांव का है, वो बाहर रहता है थोड़ा गांव से डाणी में, लेकिन वहाँ फूल नहीं है वो, लेकिन उसके पास नहीं थे। उसने फोन कर दिया मेरे को कि पंडित जी आप फूल लेकर आ जाना। तो मैंने सोचा वहाँ से तो मैं फूल लेके ही नहीं आऊँगा, जहाँ से मेरे को मना कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि दो चार जो फूल है वो कहीं और से लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए मैंने चला गया फूल लाने के लिए। ये देखो ये मेरे को, हाँ कर लिया आंख बंद, ये ले पहले इसका सरप्राइज ले लेते हैं, ये जरूरी है वरना क्या है, क्या देखें, वाओ अर्षित ने यहाँ अपनी बैंडेड लगा दी। तो अर्षित बार बार बैंडेड उतार रहा है और बार बार लगा रहे हैं, इसके छोटी सी चोट लगी हुई थी, मैंने बैंडेड लगा दी। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा भगवान को भी थोड़े फूल चढ़ा देंगे तोड़ के ले आए। तो देखो जहाँ से मना हो गया फूलों के लिए, तो दूसरी जगह से आज फूल लेके आऊँ, और वहाँ पर जो फूल मेरे को मिले उसका मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए और ये भी रियल है, तो आप इस फोटो में जो देख रहे हो जितने भी फूल आपको दिखाई दे रहे हैं शिवाय इस फूल के और इन दो फूलों के, सभी रियल है, सभी के सभी रियल फूल है। ये देखो आप यहाँ पे, तो मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था कि भगवान जो है बगैर पुष्प के अगर नहीं रहना, उनको अगर उनको पुष्प की जरूरत है कि उनको पुष्प अर्पण करना, और ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये भी रियल है। तो पुष्प कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, तो भगवान पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। और अभी आपको मैं बता दूं फूल काफ़ी बचे हुए हैं, ये देखो। अच्छा एक मज़ेदार बात और हो गई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो लड़का जिसके यहाँ मेरे को नामकरण के लिए जाना है, उस लड़के ने मेरे को बोला था कि फूल ले आना, तो मैंने सोचा था कि कुछ फूल मैं मेरे लिए लेके चला जाता हूँ और कुछ फूल उस लड़के के नामकरण में लेके चला जाऊँगा। तो उस लड़के का वहाँ जाना हो गया जहाँ से मैं फूल लेके आ रहा था, और उसने मेरे को देखा देखते, मैंने कहा भी मैं फूल लेके जा रहा हूँ तेरी पूजा पाठ के लिए, यहाँ से तो मैं अपने आप ही ले जाऊँगा, पंडित जी आप यहाँ से अपने घर के लिए ले जाओ। और उसने जो है वहाँ से और फूल तोड़ दिए, और ये जहाँ से मैं फूल लेके आया हूँ वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और इतने फूल पड़े हैं वहाँ पर और भी। तो भगवान को पूजा पाठ के लिए जो फूलों की कहीं से कमी नहीं आती। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये देखो हर्षित क्या कर रहा है, ये फिर बैंडेड वापस लगा रहा है। इसको मैंने ना बैंडेड लगा दिए, छोटी सी बैंडेड, थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, बार बार उसको ऐसे ऐसे कुचल रहा था, तो फिर मैंने क्या किया बैंडेड लगा दी। बेटा ना ले, सब ना लिए, क्यों स्कूल नहीं जाना? तो दोस्तों फिलहाल जा रहा हूँ मैं उनके घर पे नामकरण के लिए, मिलते हैं आपसे बाद में, और वहाँ मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगा। तो गाइज आज माँ के पास नहीं गए अभी तक हम, और अर्षित जो छुप गया, ये छुपने वाली आदत कब छोड़ेगा अर्षित है?
अरे देखो उसका सिर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर, वो देखो हाथ हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। तो मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के घर पे, मेरी माँ के पास, और आज हर्षित नहीं जाएगा, ये बढ़िया बात है। तो फिलहाल स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। हर्षित तू जाएगा? पैदल कौन जाएगा? मेरा पैदल चलें। चलो ले स्कूटी, चाबी ले ले, अर्षित का पैदल जाऊंगा। हाँ पैदल चलें बेटा। अर्षित जो भी फैसला लेता है वो सही लेता है, तो मेरी भी जो है वो जॉगिंग हो जाएगी इस बहाने। अर्षित धीरे दिखा दिया बेटा। अब और बता क्या दिखाना है? ये दिखा दिया। और बता, पेड़ दिखा दिया, ये पेड़ है गाइज। और बताओ क्या दिखाना है बेटा? तू मेरे को कहाँ जाना है? गैया नहीं बेटा, ये भैंस है। हाँ गैया तो गौशाला में जहाँ दूध लेके आते ना, अपन जहाँ दूध लेके आते ना वहाँ होती है। धीरे धीरे ऐसी तो वो देख बाइक आ रही है। बाइक कहाँ जाना है ऐसी? अच्छा मैं जानबूझ के रॉन्ग चलूंगा थोड़ा, देखते हैं सिद्ध क्या कहते हैं। किधर है? किधर जाना है? इधर चलना है? इधर किधर? अच्छा बता दे, मेरे को पता नहीं है कहाँ से जाना है। कहाँ से जाना है पता नहीं है मेरे को। किधर? धीरे धीरे बाइक आ रही है, बाइक आ रही है अर्षित। उधर से किधर जाना है? हैं हैं कहाँ जाना है? वो क्या है? वो क्या जा रही है? वो कौन जा रहा है? वो क्या लेके जा रहा है? वो उसका क्या नाम है अर्षित? ऊंट गाड़ी। हाँ ऊंट गाड़ी लेके कौन जा रहा है? अनिल। ये वाला घर है क्या? हाँ तू तो पहचान गया घर माँ का। हाँ चलेंगे चलेंगे, पहले इधर आ जा, पहले इधर। एक मत चार, यो है हमारा मिस्त्री भाई, यो हमारा ऐसा मिस्त्री है, मतलब मैं एक खूबी एक है के खूबी। सर जी तू आप बताओ का मैं बता दूँ? तू पढ़ना करा मैं बता तो दे, खूबी बता तेरी। मिस्त्री एक नंबर का है, यो मिस्त्री ना लाखों रुपया नुकसान हो बचा लिया आदमी ने काम में, करोड़ों रुपया नुकसान हो उसका काम में, लेकिन मिस्त्री बचा लिए। मोटराम जी वो उधर देखो क्या चल रहा है, काफी चल रहा है उधर देखो क्या चल रहा है। अर्षित बगैर पूछे नहीं उठाते, थप्पड़ पड़ेंगे। बगैर पूछे नहीं उठाते? हाँ तो पूछ के उठा लेता बाबा जी को बता। बात ही नहीं है, बात के नहीं बात, एक दो की बात को नहीं, टाबर तो घर की दुकान है, कोई बात को नहीं, एक ले जाएगा हूँ और खड़ी आदत पड़ेगा। कौन मोटू? हाँ चोर को नहीं हो देख के कर। चोर नहीं तो बेटा बता दिया करे। अर्षित हन तो बेटा गलत आदत होती है, गाँव का होनार मिस्त्री है, इसने गाँव की तस्वीर बदल दी है। क्या हुआ अर्षित? आ गए दादी माँ के घर पे? आज चलो ले आज बेटा के करे माँ सान करू करे केगी दलिया दलिया बनाओगी और
जुखाम तेरा टूटे ही को नहीं जुखाम है अबे खड़ गई दीक्षा रे बस गरी गरी तो ये रोटी खाओ को ही तक वा अबे का अच्छा ए किट किट हिम्मत खाली भाई किट किट कर कर आई थी और हुआ खाली बा बाजरी कोई तो वे कौन बना के खिचड़ी चावड़ा रंग भी आप ने वे कौन बना के दीक्षा रे खिचड़ी का तरी खिचड़ी का तरी तो मैं क्या ही बनाऊं ना मेरा ही कोनी मैं तो ना जाई पेर दौड़ लगी हूं ए मर कमा दलिया कौन खा के रहा बाजरी की रोटी स्वाद बहुत है कि मैं चौकी टेक दी मां दलिया टेक दिया ना जाऊं मैं तो मान के बैठो असली तो दोस्तों ये अनार लगा दिया है अब कहाँ तक कामयाब होगा कैसा चलेगा वो मुझे पता नहीं लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ लगा दिया है और टमाटर आज तोड़ने वाले हम हैं नहीं हर्षित को नीचे जाने की ज़्यादा जल्दी है तो हम आंटी के पास जाने की ज़्यादा जल्दी है इसको तो नीचे जा रहा हूँ मैं फिलहाल अब भेज देंगे तेरे मम्मी भेज देगी बेटा क्योंकि ये बन रहा है कल शीतला सप्तमी है तो ये मीठी रोटियां और ये इधर क्या बन रही है चावल और ये बन रही है नमकीन रोटियां और इसमें क्या बन रहा है सब्जी किस चीज की है जब ये अभी हमारे 5 मिलियन हो गए हेलो ये हर्षु है हेलो हर्षु कैसे हो आप ठीक हूँ चौकाकरा का डोस हो रहा है जो देखो एक हाथ हूँ ले एक हाथ ही ले ये लाडले चलांदे लड़न दे टूट जा सुद्धा यो देखे यो सिक्के का गले गले ना हर्षित चोट खा लेगा जो टैंक ट्रेनिंग लेडी 5 साल की तो गाइस आप देख सकते हैं आज हर्षित बाहर खेलने के लिए आया और हर्षित ने जो है काफी दोस्त बना लिए धीरे धीरे जो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं छपरी ब्लॉग हम आपके भाई छपरी और यहाँ पर दूसरा छपरी बैठा हुआ है आ जाओ बच्चों आ जाओ दिखा दे हम पर लड़ाई चली हुई है गाइस बच्चों की आप देख सकते हैं कोई आमदनी नहीं है तो आमदनी किस चीज में नजर आ रही है आपको आमदनी अब क्या चीज में आएगी आमदनी मेला में कोई आमदनी नहीं है तो कुछ नया रोजगार आगे देखेंगे कोई तो ये थे हमारे पड़ोसी सिकंदर बख्श जो कि मेले में हर बार शॉप करते थे दुकान करते थे लेकिन इस बार नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने कह दिया कि बिजनेस जो है मेले वाला वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा है तो दोस्तों ये देखो चंद्रमा जो है बिल्कुल और आज मैं आपको बता दूं चतुर्दशी है तो जो है व्रत रखा गया था और फिलहाल बज गए 10:30 आम से चांद ने ये देखो टमाटर देख ले जोड़ बेटा ये देखो कितनी बड़ी मकड़ी है बोली होगी पीछे बैंक गाइज एक तकलीफ आ गई थी मैं ब्लॉग एडिटिंग कर रहा था लेकिन तकलीफ ये आ गई कि 4 वीडियो जो है वो ब्लॉग में आ ही नहीं रही है यानी वो कॉपी नहीं हो रही है क्या कर रहा है अर्षित